नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पुंडीर। उत्तर प्रदेश का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, ना ही वो विवाद सुलझने का नाम ले रहा है। भले ही भूपेंद्र चौधरी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, जेपी नड्डा से मुलाकात की, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और फिर अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, बयानबाजियां नेताओं की बंद हो गई, सुर जो तल्ख हुए थे नेताओं के वो भी नरम पड़ गए, लेकिन उसके बावजूद भी लगता है कुछ ना कुछ तो उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है जो हालात को, परिस्थितियों को सही नहीं होने दे रहा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के नेताओं के बीच एक मीटिंग होनी थी, कोर नेताओं के बीच में, मतलब भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, योगी आदित्यनाथ और इन सब की मीटिंग होनी थी सर कार्यवाहक अरुण कुमार के साथ, जो बीजेपी और आरएसएस के बीच समन्वय का काम करते हैं। और इस समन्वय का काम करने के लिए इन्हें शुक्रवार की शाम को लखनऊ पहुंचना था, लेकिन ये लखनऊ नहीं पहुंचे, इन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। क्यों कर दिया इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। उसी बीच मोहन भागवत का भी एक बयान सामने आया दो दिन पहले, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच सब कुछ सही नहीं है। हालांकि दोनों के रिश्ते कभी एक वक्त में बहुत अच्छे हुआ करते थे, दोनों एक दूसरे की बात को माना करते थे, समस्याओं का समाधान साथ मिलकर किया करते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि दोनों के रिश्ते इतने तल्ख हो गए? और क्या योगी आदित्यनाथ को नहीं हटाया जाएगा? और क्या आरएसएस चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी कुर्सी छोड़ दें? ये सवाल इस वक्त राजनीति में तैर रहे हैं। इन सवालों का जवाब आपको दें, और अब इससे पहले बताऊं कि अरुण कुमार की मीटिंग में ना आने का और ये मीटिंग ना होने के मायने क्या हैं, उससे पहले आप मोहन भागवत को सुनिए। यहाँ तक विकास करना सोच के विकास किया, वहां गए, वहां पहुंचने के बाद दिखता है कि इसके भी आगे है। तो मनुष्य है लेकिन मानवता नहीं, इंसानियत नहीं है, वो मनुष्य बन जाए असली पहले, वहां जाने के बाद उसको लगता है लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते हैं, सुपरमैन फिल्में वगैरह निकलती है उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है, लेकिन वहां रुकता नहीं, उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो देवता बनना चाहता है, लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहते हैं, और भगवान कहता है कि मैं तो विश्वरूप हूँ, अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूँ, लेकिन मेरा जो सारे विश्व में व्याप्त ऐसा बिना आकार का रूप है वो असली मैं, तो वहाँ भी कुछ है क्या रुकने की जगह, कि वहाँ से भी आगे कुछ है ये कोई जानता नहीं है, ऐसे कह नहीं सकता, नहीं है ऐसे भी कह नहीं सकता, लेकिन एक बात जरूर इससे कहते लोग कि विकास का कोई अंत नहीं। मोहन भागवत के इस बयान को उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो बायोलॉजिकल, ऐसा लगता है वो बायोलॉजिकल नहीं है और भगवान ने ही उन्हें अपने काम के लिए मोहरा बनाकर भेजा है। तो जो जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मोहन भागवत ने किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, वो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी अहंकार जैसे शब्दों से मोहन भागवत बीजेपी को नवाज चुके हैं। हालांकि ये विवाद भी नया नहीं है, लोकसभा चुनाव के बीच ये तल्खी उस वक्त ही बढ़ती हुई नजर आई थी जिस वक्त बीजेपी की गारंटी की जगह हर गारंटी मोदी की गारंटी हो गई थी। और अब विवाद चल रहा है उत्तर प्रदेश में, और कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की सत्ता से, उत्तर प्रदेश के मुखिया के पद से हटा दिया जाएगा। उसके लिए एक लॉबी भी उत्तर प्रदेश में तैयार है, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और तमाम नेता उनके साथ हैं, ओपी राजभर हों, वो संजय निषाद हों, या फिर अभी एक और विधायक का बयान सामने आया है, कह रहे हैं कि विधायक और मंत्री फिलहाल घुटन में हैं, उनके काम नहीं हो रहे हैं, अफसरशाही ज्यादा हावी है। तो ये चीजें, ये आरोप तो बीजेपी के नेता लगातार उत्तर प्रदेश के आलाकमान पर लगा ही रहे हैं, मतलब सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ पर लगा रहे हैं, लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि जो समन्वय की बैठक होनी थी उसमें योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह का के साथ जो है बैठक होनी थी अरुण कुमार की,
वो बैठक अब क्यों नहीं हुई है, क्या इस बीच में किसी ने कोई खुराफात की है या फिर दोनों के बीच ऐसी कोई बात थी आरएसएस की तरफ से या बीजेपी की तरफ से जो एक दूसरे पक्ष को माननी थी और दोनों ने वो बात मानने से इनकार कर दिया है, या फिर क्या केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ एक दूसरे का आमना सामना करना ही नहीं चाहते। तो सवाल बहुत सारे हैं इस वक्त, क्योंकि ये मीटिंग कैंसिल हो गई है जो मीटिंग होनी थी, और हो सकता था इस मुलाकात के बाद, इस बैठक के बाद उत्तर प्रदेश की चीजें वापस से ट्रैक पर पहुंचती और सरकार जो है अपने काम में लगती, लेकिन विवाद अभी भी वहीं बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश में आखिर क्या होगा, दिल्ली आखिर उत्तर प्रदेश के लिए क्या सोचे हुए बैठी है, क्या वाकई में वो योगी आदित्यनाथ को हटा देना चाहती है और इंतजार सिर्फ विधानसभा चुनाव का है जो इसी साल होने हैं लगभग 3 महीने के बाद, वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, झारखंड हो, उसमें कोई गलत मैसेज ना जाए उत्तर प्रदेश की तरफ से, उस मैसेज को सही रखा जाए। तो सवाल बहुत सारे हैं और जवाब अभी किसी के पास भी नहीं है, भले प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया हो, मुलाकात की हो भूपेंद्र चौधरी से या फिर गृह मंत्री अमित शाह से, लेकिन अभी तक वजह क्या है, ये मीटिंग क्यों नहीं हो पाई है, वो पहेली अभी भी अनसुलझी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आरएसएस अपना कोई अलग स्टैंड उत्तर प्रदेश में लिए हुए है, क्या आरएसएस ही योगी आदित्यनाथ की ताकत बनकर उनके पीछे खड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र से वो सीधा टक्कर ले रहे हैं, केंद्र के सामने झुकने के लिए योगी आदित्यनाथ तैयार नहीं है, क्या उसके पीछे आरएसएस ही है या फिर आरएसएस नहीं चाहता कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी कुर्सी पर बने रहें। तो देखते हैं इन सवालों के क्या कुछ जवाब मिलते हैं, वैसे इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।